नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या जरूरत है साहिब आंटी के साथ फैजलाबाद जाने की? सुखी, खानदान के एक आदमी मर्द का साथ जाना जरूरी है, और वो बेचारा विकी अपनी शादी की तैयारी में फंसा हुआ है, और खालू जान ना ही जाए तो बेहतर है। बाय द वे, मेरे ख्याल से ना ये लास्ट मोमेंट पे फैसलाबाद जाने वाला आइडिया ही बेकार है। तुम्हें भी पता है कि साहिब आंटी ने कौन से इलेक्शन जीत जाना है। अस्ता बोल, ये हमें भी पता है कि उन्होंने नहीं जीतना, लेकिन हम उनका दिल रखने के लिए जा रहे हैं। पर मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी ना। इतने वजन के साथ बहुत ही बनता है। हेलो अलिफ नून, तैयारी हो गई? अलिफ नून, बड़ी जुगत मारी है इसने। ओहो, जरा टाइमिंग तो चेक करें इनकी, मेहंदी हुई नहीं है और अभी से इनका सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हो गया है। यार इतना मजाक तो चलता है ना साली के साथ। साली सिर्फ ये कह सकता है। अच्छा खैर सब छोड़ो, जल्दी करो यार, मम्मी जी बाहर वेट कर रही हैं। क्या मतलब वेट कर रही हैं? अभी तो फ्लाइट में बहुत देर है। तुम्हें किसने कहा है कि वो पहले एयरपोर्ट जाएंगी? चलिए जी। नवील पुत्र, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया जी? बस ठीक है। अच्छा पहले तो इस तरह करते हैं कि हम चलते हैं वो अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मजार पे सलाम अलैकुम लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अम्मा वड्डी के घर दवाई लेने के लिए, तो फिर निकल चलते हैं एयरपोर्ट। बात सुन, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से मिलती जा। चाचा वैसे बात यह है कि कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो बड़ों से दुआएं लेते हैं। पर कामयाबी तुझे वहां से भी नहीं मिलनी है। वैसे तो चाचा आप भी मेरे बुजुर्ग ही लगते हैं, लेकिन ना तो आपकी दुआओं में खैर सल्लाह बरकत है तो ना ही कोई हरकत है। फजूल गल्ला ना करेगा 24 घंटे। चाचा आप भी मेरे साथ फजूल बातें ना करना इस वक्त। ओ प्लीज आंटी अंकल प्लीज, आप दोनों लड़े मत, वैसे भी फ्लाइट में देर हो रही है, टाइम निकल जाएगा, चलें। नबील तू अपने अंकल को समझा ले, इनको बता दे कि बिहेवियर सेल्फ भी करें तो ना मेरे साथ गुथम गुथा होने की कोशिश करें। हाय अब्बा जी। ओ इसको क्या हुआ है? अब कुछ नहीं अब्बा, वो ना दरअसल मम्मी जी के जाने के दुख में ना इमोशनल हो गई फूफो। भाभी जी अब्बा जी बहुत याद आ रहे हैं, मैं सलमा फाद। बस मेरी बहन चुप कर जा ना बस। अब ओ होंदे ते किन्ना फखर करदे तोडे उत्ते बब्बा जी। अब्बा जी मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूं, कोई जंग पे तो नहीं जा रही? रब भाई जान अनाबा जी होते ना तो अपनी वेस्पे का सिलेंसर काट देते और पूरे फैसलाबाद में कैंपेन करते। आए 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 अब्बा जी, आए आए आए। अब्बा जी तो वैसे खैर सल्लाह पर मेरी थे, चलो कोई बात नहीं, फिर अल्लाह को प्यारे ही हो गए। क्या मैं अब्बा जी अल्लाह को प्यारे हो गए ना, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? चलो जी चलो निकलिए फिर अपना। तैयारी फिर? हाँ पुत्र तैयारी तो होगी, तूने हमने सामान सुमून भी कर लिए। अच्छा जी गल सुनो, आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है, दो दिन के लिए मैं जा रही हूँ, पीछे संभाल लेना। अच्छा आओ आओ, मैं संभाल लूंगा, तू फिक्र ना कर, तू ना भी आई ना तो शादी हो जाएगी। हाँ जी मुझे पता है शादियां कराना तो बड़ा आसान काम है आपके लिए, तुस्ते हिले हो शादियां कराने होते। मैं ओदी गल कर रहे हैं। चलो चलो निकलिए हूँ। चल चल बस कर मेरा भाई, चुप मेरी बहन। अच्छा सुन, तूने ना अच्छी तरह मेरे लिए मसले पे बैठ के दुआएं मांगनी मेरा पुत्र। मम्मी जी मैं आपके लिए बड़ी दुआएं करूंगी। ठीक है चल ना, चुप कर जा। अच्छा बॉबी किधर है? अंदर सो रहे हैं। चल दफा कर, तू चूल्हे चपा। चल वे चलिए निकलिए, आ जा, अपना ख्याल रखी, अस्सलाम वालेकुम। चल पुत्र जल्दी हो, फ्लैट ना निकलते। ओए पता के पास हूं। देख पुत्र इसका ध्यान रखी, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो ना इसको फौरन वापस कराची ले आए। ये अकेली होगी तो उसको हारने का डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। और ताया जी बेफिक्र हो जाए। जी उधर मेरा पुत्र, जी उधर, शाबाश, अल्लाह हाफिज। ये फवाद यहाँ क्या कर रहे हैं? मामा मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो एनी, तुमने ही बुलाया है उसे पाकिस्तान। मामा मुझे नहीं पता, उसने खुद यहाँ पहुँच कर मुझे कॉन्टेक्ट किया और वो सीधा मेहंदी पे ही आ गया। मामा मेरा यकीन करे, मुझे खुद नहीं पता था कि वो पाकिस्तान आ रहा है। यहाँ आकर उसने मुझसे मिलने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसको कोई जवाब तक नहीं दिया। How can I believe this? Because it's the truth. तुम्हें आइडिया भी है? अगर मिगाल के घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? मामा किसी को नहीं पता लगेगा। कब तक नहीं पता चलेगा? मैं क्या बताऊंगी उनको कि कौन है ये शख्स? बता दीजिएगा कि ये वो शख्स है जिससे एनी शादी करना चाहती थी लेकिन आपने करने नहीं दी। एनी आरफा, आरफा। क्या हो गया? चौधरी साहब ने तो मुझे बड़ा ही कहा कि रहने दो, पर मैंने कहा ना भी ना, अम्मा वड्डी की दवाई लिए बगैर मैंने नहीं जाना इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर देना दुआ, अल्लाह आपको कामयाब करे।
हाय अम्मा वड़ी इतनी ओपन दुआ भी ना दें ऐमे मते मेरा 100 रुपए वाला बॉन्ड ही निकल आवे। खालेजान देर हो रही है फ्लैट के टाइम हो जाना फ्लैट ले निकल जाना चले। अच्छा तो आप वाकई तो आप कहीं आपकी फ्लाइट ना मिस हो जाए। चले खालेजान चले चले। अच्छा अच्छा चलते हैं ना एक मिनट अम्मा जी आपने मेरी दुआ जरूर करनी अम्मा वड़ी। जी जी बिल्कुल। हाँ जी हाँ फराज साहब फराज साहब कोई लक दे बेस्ट होने का कमेंट ही दे दियो। बेस्ट ऑफ लक फराज साहब आखिरी बार ये सादा सहमत चौधरी देख ले क्योंकि इलेक्शन के बाद हालात ये नहीं रहने जो इस वक्त है। सहमत जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें खालेजान हो गया तो चलिए। अच्छा अच्छा एक मिनट अम्मा वड़ी आपने मेरे लिए अच्छी तरह नफल पढ़ने होंगे। जी जी जरूर। फराज साहब आपने भी मेरे लिए गिटकियां पढ़नी है मेरी याद में। अच्छा फिर जी 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 अच्छा फिर सलाम अलैकुम है मैं क्या चलो फिर चलिए। अम्मा वड़ी आपने रात को नफल जरूर पढ़ने मेरी याद जी जी। अच्छा फिर सलाम अलैकुम है खुदा हाफिज। ओए हो एक मिनट फराज साहब आप भी वैसे जरा गिटकियां पढ़ लेना मेरे लिए कोई हर्ज नहीं है। जी 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 ठीक है मिस यू लेटर। I know. तो कौन है ये फवाद? इसी से पूछो। आरफा मैंने क्या कहा है तुम्हें अभी? हाँ बताओ। खाला वो बाबा के भाई के बेटे हैं। वो क्यों आया अचानक यहाँ? इससे शादी करना चाहता था मगर अब जब देखा उसने eventually इसकी शादी हो रही है तो बर्बाद करने आ गया। मामा मैं आपको कितनी बार इस बात का यकीन दिलाऊं कि मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया। I get it. तुम इसे इसीलिए यहाँ लाई हो ताकि जल्दी में इसकी यहाँ पे शादी कर दो। हाँ लेकिन ये मानी है तो शादी हो रही है ना? मामा वहाँ वो मुझसे वक्त मांग रहा था यहाँ आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था मैंने तंग आकर यही डिसाइड किया कि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक शादी कर लेती हूँ। बहुत एहसान किया आपने मेरे पे। मुझे तो लगता है नहीं तुम असल में उसके लिए ही टाइम बाय कर रही थी ताकि वो अपनी बीवी से पीछा छुड़ाए और फिर यहाँ पे आए। वो क्या मतलब मैरिड? खाला वो अब उनकी डिवोर्स हो चुकी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अपना घर तो बर्बाद कर लिया अब हमारा घर भी बर्बाद कर लो। चलो खैर तुम बताओ। खाला फवाद मुझे तब मिले थे जब मैं यूनिवर्सिटी में थी उस वक्त उनकी वाइफ से उनकी सेपरेशन चल रही थी। मामा को इस बात के बारे में पता लगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और हम दोनों ने यही सोचा था कि मेरी ग्रेजुएशन तक इंतज़ार करेंगे जब तक उनकी डिवोर्स भी फाइनल हो जाएगी और मामा का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई मामा मुझे यहाँ पाकिस्तान घसीटती हुई लेके आ गई। वहाँ से फवाद मुझसे मज़ीद वक्त मांग रहे थे लेकिन एक पॉइंट आया कि उन्होंने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया कि वो बेबस हैं और कुछ नहीं कर सकते। And I promise you, after that, I gave up on it. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था खाला कि वो अपनी डिवोर्स फाइनल करके वाकई यहाँ पर आ जाएंगे। I don't know. Okay, okay, okay. I believe you. लेकिन अब क्या करते हैं? बात हो गई पुत्र फैसलाबाद? हाँ जी ताके से बात हुई थी। कह रहा था आज आंटी पूरे शहर के दौरे पे निकली हुई हैं। और उसके दौरे तो दो दिन में खत्म हो जाएंगे मुझे इधर गुरबत के दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। अरे अंकल छोड़े ना एक दो दिन की बात है खुश हो लेते होने भी। तुझे पता मेरा दिल क्या चाह रहा है? हार्ट अटैक का ड्रामा करने को। अबे ट्राई भी ना करना आपके कहने से मम्मी जी ने वापस तो आना नहीं ऐवें बिस्ती हो जानी है आपकी। देखिए अपनी माँ की ही मैडम जी। अब भाई आप क्यों मम्मी जी को हर वक्त तंग करते रहते हैं? पता तो है आपको कि उन्होंने इलेक्शनों में जीतना तो है नहीं कहने की क्या जरूरत है भला बार बार। मैं तो उसे सिर्फ समझाता हूँ कि इलेक्शन और सियासत तेरे बस का काम नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बॉबी क्या हो गया आराम से बैठ के खा लो यार। नहीं मैं अंदर लेके जा रहा हूं। हां है बॉबी भाई हमारे साथ बैठ के खाना खा लें। नहीं मैं अंदर मम्मी के नाल इटना है। ओए अपनी मां से कहो इधर ही आके हमारे साथ रोटी खा ले। मामो शी इज वेरी बिजी राइट नाउ। मम्मी ने क्या मेरा खाना अंदर ही लिया दे। ये फुफू अंदर ऐसा कौन सा काम कर रही है कमरे में जो बाहर ही नहीं आ रही? मम्मी बाबा ये सैलेड नहीं लाया। मम्मी जी सैलेड नाल फर्क तो पैंदा नहीं तानू तो फिर सैलेड जाया करन दा फायदा। बाबा यू आर ब्रूटली ऑनेस्ट। है ना आ की कर रहे हो चेक करो। 1 2 3 चेक 1 2 3 चेक 1 एलआई एट द बोट। ए सिर्फ बोट नहीं तेरी ख्वाबों की बोट है। हां यूज योर ब्रेन पबी। एना बड़ा सर किस दिन कम आएगा? एस बोट ते या या पपे फिटमो असे फिटमो करेंगे इस बोट ते। नो पपे जब तू एनु लेके नसेगा
एस बोर्ड ते तुसी दोवें दुबई जाओगे एंड फ्रॉम दुबई यू विल गाइस गो टू इंग्लैंड एना देख बॉबी सब तो पहला शाक सब नु एयरपोर्ट ते जाएगा ते जे तू एनी समेत एयरपोर्ट ते पकड़ा गया ते सारे ने मार मार के तेरा बॉबी डी लीर लीर कर देना है विल डू द अनएक्सपेक्टेड असी बोर्ड ते कुड़ी लाके नसांगे मामी जी कसम है तानू मेरी नी शफकत चीमे दी मम्मी होना चाहिदा सी यू सो इवल तुसे कित्थों करदे हो इस तरह दे आइडियाज आई नो बट मम्मी आ बहुत बहुत एक्सपेंसिव लगदी है पर मेरे सन दी खुशियां तो ज्यादा नहीं ओ मम्मी जी माय पॉपे डार्लिंग ब्रिंग सम सैलेड मम्मी मैं बिरयानी खा सकती तालू सैलेड ताल फर्क नहीं पैंदा एंड बाय द वे आई जस्ट रियलाइज अबाउट अबाउट बर्थडे है असी तो एक्स्ट्रा लगेज भी कैरी कर सकते हैं आए थे खाओस पंच पीक दे वास्ते बर्फी भी लेके जानी है नहीं तो वो बहुत माइंड करेंगे अभी है मेरे ख्याल से खामोशी से हमें कुछ हासिल नहीं होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा फराज भाई मैं क्या बोलूं इस पे अब एनी तुम्हें कम से कम हम में किसी एक को कॉन्फिडेंस में तो लेना चाहिए था इसने आरफा को बताने की कोशिश की थी लेकिन ये तो जो हो गया सो हो गया अब हमें ये सोचना है कि अब क्या करें वो एक बार एनी से मिलना चाहता है क्या आउट ऑफ द क्वेश्चन सोचिए जरा अगर मिकाल के घर वालों को जरा सा भी शक हो गया तो वो क्या कहेंगे और आप दोनों ये चाहते हैं कि ये मिले उससे जाके आरफा मामला बहुत नाजुक है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करो राइट रबिया बच्ची की बारात सर पे है सोचो जरा तुम क्या कह रही हो रबिया ठीक कह रही है आरफा देखो ना अगर एनी फवाद के साथ कनाडा चली जाती तो हम क्या कर लेते शी इज एन एडल्ट हम उस पर जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना लेकिन इसने मिकाल को खुद ही पसंद किया है ना शादी के लिए अब अगर ये डबल माइंडेड होकर शादी कर भी लेती है तो उस शादी का क्या बनेगा तुम्हें तो पता होना चाहिए ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट मसला तो काफी अजीब सा है मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही है कि मेरे खानदान को आखिर किसकी नजर लग गई है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा अच्छा वो रबिया से बात हुई मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आपको अपनी बात की पड़ी हुई है अरे इतने तो मसले पड़े हुए हैं इसमें हमारा वाला भी आ जाएगा तो कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा अच्छा नाराज ना हो मुझे ये बताओ डिसाइड क्या हुआ डिसाइड ये हुआ है कि एनी उससे मिलने जाएगी आरिफा मान गई हाँ इस शर्त पर कि सिला साथ जाए ओह दैट्स ग्रेट ग्रेट ओ ठीक है जी मैं बताता हूँ जी पट्टी साहब खाला जी आने लगे ने ओ ढोल बजाओ ए जी भाभी जी आए अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज बहनों और भाइयों वालेकुम सलाम आज इलेक्शन का दिन है आपकी बहन आपसे ये वादा करती है कि अगर मैं जीत गई तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी इस हलके की तकदीर बदल के रख दूंगी और आपके मोहल्ले की गलियां और नालियां आपको पेरिस की याद दिलाएंगी पापी जी ने कभी पेरिस ही नहीं देखा तो मैंने कौन सा देखा मैं केड़ा पेरिस दा माहौल बनाण लगी है हला जी कंट्रोल करें साडी लीडर शर्मा चौधरी साडी लीडर शर्मा चौधरी साडी लीडर शर्मा चौधरी साडी लीडर शर्मा चौधरी मेरे अजीज साथियों अपने अपने पोलिंग स्टेशनों पर इस तरह झपटे जिस तरह की औरतें लॉन पे चपटती हैं याद रखना कोई भी वोटर बच के ना जाए हैं और इस तरीके से आपने कीड़ियों की तरह फैल जाना है जो जिंदा है उसका वोट हमारा है तो जो मर गया है तो चलो कोई बात नहीं लेकिन आपने इस तरह कीड़ियों की तरह फैल जाना है अपने अपने इलाके में कि मलका रानी के वोटरों को पता चले उन्होंने फैसलाबाद की किस बेटी को ललकारा है और लखदी पखदी लंटी इंच पखदी ठा और मलका ठा और रानी ठा और मलका ठा और रानी ठा बात यह है कि मैंने अपनी अगली तकरीर लिखने के लिए थोड़ा ऊपर जाके काम करना है आप लोग अब तैयारियां करें और लुडियां डालें और
पक्का बोलो, आंटी ना सुन ले। अब पता है क्या, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारी कजन का सीन कुछ अजीब सा है। तुम्हें तो हर कोई अजीब सा लगता है, और ऊपर से मेरी शादी उसी के साथ रखती है। कुछ नहीं होगा तुम्हारी शादी को, फिक्र नहीं करो। कसम से मेहंदी वाले दिन भी ना मुझे यानी कुछ वियर्ड वियर्ड से लग रही थी। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, ये बेचारे निकाल को इस बारे में पता है? ऑब्वियसली नॉट, और तुम भी अपना मुंह बंद ही रखना। मैं तो तुम्हें इसलिए फोन कर रही हूं क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत डम फील कर रही हूँ। तो एनी और वो दूसरी टेबल पर बैठे हुए? हाँ मेरे पीछे। टेबल का एटमॉस्फेयर कैसा है? अच्छा अमस से कि पाकिस्तान की आबो हवा ने तुम पर बहुत अच्छा असर डाला है, यहाँ का पानी तुम्हें सूट कर गया है। यू लुक वेरी नाइस। थैंक्स। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कैसे और कहाँ से शुरू करूँ। यू नो मुझे पता है कि तुम सोच रही होगी कि उस वक्त जब मुझे आना चाहिए था मैंने आने से इनकार कर दिया था, तो अब जब तुम्हारी शादी का मौका है मुझे आने का क्या फायदा हो सकता है? And most of all, I'm thinking about auntie, she must be hating me. सही नफरत कर रही हैं वो आपसे। क्यों आए हैं? Why are you here? For you, तुम्हारे लिए आया। For me? तो फिर उस वक्त कहाँ थे जब मैं आपका इंतजार कर रही थी? ये तुम जानती हो कि मैं उस वक्त नहीं आ सकता। There's a lot going on over there. Most of all, divorce process mein thi. Jaise divorce final hui hai, main aa gaya hoon. To ab main kya karu? Do you have any idea ki mujhe aapko apne dimag se nikalne mein kitna waqt laga tha? Aur ab jab hafte baad meri shaadi hai, to aap yahan mere sar pe aake khade ho gaye, aapne mujhe phir usi mod pe khada kar diya. You have to understand, Annie. I cannot afford to lose it just like that. Main tumhe aise hi nahi kho sakta. Chalo sir. हाथ रख के क्या कर रहे हो? फॉरन बैग ने पकड़ो और बॉटल लेके पहुंचो। ओके क्या था, क्या था रिपोर्ट, क्या उधर की? खाला जान बस ठीक है अभी, लेकिन पोलिंग जारी है। अच्छा अल्लाह खैर करे। एक मिनट में जरा पट्टी साहब को भी चेक करूँ कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हैं जी, या गल्ला ही करता रहता है। मिनट हेलो हेलो पट्टी साहब, हाँ क्या पोजीशन है उधर, क्या हो रहा है? यानी कि मलका रानी की नंबर 7 और नंबर 6 पे ज्यादा अच्छी पोजीशन जा रही है। पट्टी साहब वैसे आपका फिटे ही मुँह है, बात सुने आपने अपने वोटरों के लिए आलू वाले चावल बनवाए थे तो उनमें अब चिकन भी डलवा दे, रहता भी कर दे साथ, कोई हर्ज नहीं है। हाँ पट्टी साहब इस वक्त पैसा रोड़ दे, अग ला दो पैसे नू। हाँ जी हमने जीतना है, मलका रानी को जीतना नहीं चाहिए। बस ठीक है मुझे रिपोर्ट देते रहना। अच्छा वक्तन फोक्तन सही है सूरत हाल से मुझे आगाह करनी है आपने। ओके तो मलका रानी आगे आगे कोई नहीं खाला जान, पौने 500 कर लिए फिर भूल गए बिच ना बोलिया कर। हाँ हाँ I'm not gonna tell anyone, don't worry। विक्की चलना विक्की चलना। यार 2 मिनट रुक जा, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ ना। वो शादी के बाद सारी जिंदगी गल करता रहेगा, फिलहाल साढ़े नाल क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। यार मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल कर लूँ। ओके थैंक यू बाय। क्या मुसीबत है? आज़र दे घर जाना है ऐसी पास। हम लोग आज़र के घर जाएंगे क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। उनके पास ऑलरेडी बहुत हेल्प है। बट मैं जाना है। बट व्हाई? बिकॉज़ शी इज नॉट आंसरिंग माय फोन। हु इज नॉट पिकिंग अप योर फोन? एनी। एनी? उससे तुम्हें क्या बात करनी है? मेरी दोस्त है, मैं उन्हें प्राइवेट कॉल करनी है। वेल शी इज ऑलरेडी वेरी बिजी। तू मत तेरा दरीचा तोड़ते आगे, तू इंसान बन जा। बहुत ठीक है। विकी भाई ताके का फोन आया था अभी। क्यों? वो पता चला किसी पोलिंग बूथ पे ना मलका रानी हमारे वोटर तोड़ रही थी। ओ फिर मम्मी जी को पता चला, मम्मी जी वहां पहुंच गई उसको मारने कूटने के लिए। टीवी पर लाइव आ रहा है, जल्दी लगाएं टीवी, लगाएं जल्दी से। ओ गॉड अच्छा बैठना, टीवी लगाएं। रिमोट कहां है यार? रिमोट तो लेके आओ। क्या लगाएं? हाय हाय नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन नंबर 8 के बाहर मौजूद हैं, जहां दो पार्टियों के दरमियान वोटरों को लेकर बहस शुरू होगी। ये देखें
नाजरीन तरीके इनकलाब की उम्मीदवार सैमा चौधरी भी यहाँ पहुँच गई हैं। क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? आप दोनों मियां बीवी ना हमारी ही पार्टी को वोट दीजिएगा? ओके, हाँ 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 हाँ, तो इस तरह मेरी पार्टी के वोट तोड़ रही है? मैं वोट तोड़ नहीं रही हूँ, मैं वोटर को कन्विंस कर रही हूँ। कन्विंस करी, बूथी देखिए तूने अपनी, सत के जाओ तेरे कन्विंस करने पे, घुंघरू पहन के इधर दो मिनट में कन्विंस कर लेना। जैसा कि मैं कह रही थी, आप दोनों मियाँ बीवी हमारी ही पार्टी को वोट दीजिएगा, ओके? हाँ, क्यों? तुम्हारी पार्टी ने इस कौम को दिया है कैसे शर्मिंदगी के, क्यों वोट दे? ए भाईजान, आप हम लोगों को वोट दे, देखिए हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। नहीं 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 नहीं, हम आपकी जिंदगी सवार देंगे। सवार देंगे, साथ ही आपसे दूसरी शादी भी कर लेंगे। अब बहन जी, मैंने आपके लिए इशारा किया है खैर से। हाँ नहीं नहीं, हम इनको वोट नहीं, हम सैमा चौधरी को ही वोट। हाँ चले चले। नहीं 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 नहीं, मैं ना आप लोगों के इलाके में नई नई सड़कें बनवाऊंगी। हाँ हाय हाय, सड़कें बनवाऊंगी, पेट्रोल तो इतना महंगा है, सड़कों पे तूने क्या मर्चे सुखानी है? मैं आपके इलाके में गैस के पाइप बिछवा दूंगी। बहन जी, मैं आपके घर के बाहर गैस के सिलेंडर लेके खड़ी हो जाऊंगी। मैं आपके इलाके में बिजली के नए खंभे लगवाऊंगी। हाय हाय, बिजली के खंभे लगवाएगी? बिजली तो है नहीं, तूने क्या खंभों पे बच्चों के पोतरे सुखाने? आप देखे ये धांधली मच हुई है इस पार्टी की, औरत ने जाली वोट डाली, हमारे साथ ज्यादती हो रही है ये। छोड़े जी मिलकर रानी, आप इस बारे में क्या कहेंगी? ये बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रही है, झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? नहीं तो ठहर जा। नाजरी, मिलकर रानी ने दौड़ लगा दी और पीछे सैमा चौधरी भी दौड़ पड़ी। प्लेट मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, तो है क्या है? घुंघरुओं वाले सीढ़ी नहीं तेरा बेड़ा तर्जे नहीं, ता दिना पकड़ मेरी चीजें, इसको तो मैं किधर गई, ठहर जा वे, तू ये भी पकड़, दफा हो, कहां गई, ठहर जा जरा, दुपट्टा दे। मेरे अजीज हम वतनों, आपकी बहन सैमा चौधरी जीत के रहेगी, जीत के रहेगी। किधर नहीं फड़ गई? नहीं मलका रानी, मैंने तेनू फड़ के छड़ देना है, नहीं तो जर्दे दी प्लेट, दो मेरा बेड़ा गलत हो गया, ख्वाहिश में एक दूसरे के पीछे दीवाना आवाज भाग रहे हैं। ये देखो पकड़ में मेरी, ये देखे अब, ये देखे नाजरीन एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं। छोड़ो, पहले जियो न्यूज़ वाले देखो, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हैं ये खुला तजाद है, इस तरह तो नहीं ना धांधली से काम चलता था। पकड़ तू, पकड़। आपने देखा नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत का तारीखी मंजर नाजरीन, इसके बाद मेरी तरक्की पक्की है नाजरीन। आदमी के साथ कैमरा मैन पता नहीं कौन, जियो न्यूज़ फैसलाबाद। हाँ ना, तुमने खुद सुना है? मैं खुद कैसे सुन सकती हूँ, मुझे एनी ने बताया, वो तुमसे मिलना चाहता है, कह रहा है एक आखिरी मौका दे दो, मैं आंटी से खुद बात करता हूँ, पर एनी ने कहा बहुत देर हो गई। थैंक गॉड, उस लड़की को कुछ अकल तो आई। भैया एक मिनट अम्मी, देखो मैं तुम्हें कह रही थी, वो एक समझदार लड़की है, वो अपनी ज़िंदगी इस तरह तबाह नहीं होने देगी। रबिया तुम फवाद को नहीं जानती, तुम्हें तो उसके बाप के ख़ानदान के हर इंसान से यही शिकायत है। वो मैंने तुमसे एक, अम्मी एक मिनट ना। अच्छा मैं उससे बात करके आती, कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं बैठी रहो, अब उसे अकेला छोड़ दो, शी नीड सम टाइम अलोन, ओके? जाकर उसका दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठी रहो यहाँ, मैं चाय बना के ला रही हूँ। रबिया आ रही हूँ अम्मी। You have to understand, Annie, I cannot afford to lose it just like that. मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं खो सकता। बंदे की नोट करनी है तुमने, हरकत बिल्कुल लापरवाही की था, मैं तेरी लत्ता पान देनी है ने। हाँ चलो, ये है एक तेरे गर्मी से बड़ा तंग किया है। अच्छा क्या हुआ है? वो इलेक्शन वाले बंदे कह रहे हैं कि जाली वोट वाला मामला वो बाद में देखेंगे। हाय हाय, सबके सामने पकड़े गए तो अंधे हैं वो लोग। खाला जी, बंदे किधर मानेंगे कि उनको मलका रानी ने वहां भेजा था? ले दस, भाग भाग के मेरे फेफड़े रह गए तो कमीशन वाले मुझे सूर्या से नहीं ले रहे। वैसे किसी ने सही कहा था, अगर सियासत में रहना है ना तो आपा फरदौस आशिक अवान की तरह हाथ में गुर्ज लेके फिरना चाहिए। ओ छोड़े ना खाला जी, छोड़े ना, क्या छोड़ू, कट्टा दे मिट्टी।
रिलैक्स करें खाला जान। फिर मैं रिलैक्स करूं? भाभी जी वो काउंटिंग शुरू होगी जी। हाँ। करीम टाउन और शफीकाबाद वाली पोलिंग स्टेशन पे ना उनकी लीड है जी। पट्टी साहब आपने तो कोई बुरी खबरें सुनाने का ताहियात ठेका ही ले लिया हुआ है। खाला जी रिलैक्स करो, रिलैक्स। कट्टा रिलैक्स करूं? चुप कर। फोन आया जी फोन। हेलो है? ओ नहीं यार। पट्टी साहब अगर आप ना भी बोले ना तो आपके मुंह के ऊपर जो ये फिटे मुंह है ना इससे मुझे सारा कुछ पता चल जाएगा। कौन सा स्टेशन था? अजहर स्कूल वाला पोलिंग स्टेशन है जी, उधर भी हम लोग हार गए। हाँ है वे मेरे दंदल पे गई जी। हाँ है वे कोरम ही। हाँ है, हाँ है, चक्कर। हिम्मत हिम्मत करें। हाँ 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 मेरी पोनी किथे गई? पट्टी साहब मेरी पोनी पे बैठ के कोई हया करें आप। हाय की बनेगा, हाय उनके कितने मुंह दुखान दोगे जोगी ने। या अल्लाह हाय हाय वे वे मैं जी। हाय खाला जी हिम्मत करें, हौसला। अरे पानी लेके आ। कौन है? कौन है? हाथ ना लाई मैनू। मैं कौन है? अल्लाह मैं ताका। हाय ताके मेरे पानी। हाय मैं ताके। हाय मैं नहीं 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 बस बस बस। हाय मैं वो पानी लेके आ। छेद करो। किस्त हो गई है, मैं कितने दिन ही देखूं। अरे पानी कोरा नहीं, कोरा नहीं यार। क्या हो गया तुम लोगों को? समोसे रखे हैं अंकल। वो आंटी ना एक पोलिंग स्टेशन से हार गई हैं और तीन और से हारने वाली हैं। तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ यार हैं। डॉली और पुत्र तेरे वास्ते समोसे लाया हूँ बेहतरीन। अब भाई कितनी गलत बात है वैसे, वहाँ मम्मी जी हार रही हैं, आपको अपने एंजॉयमेंट की पड़ी हुई है। बेटा सेलिब्रेट करने का दिन है, है? चाहे हार ही हो रही हो। अब्बा जी ताके का फोन आया था अभी, मम्मी जी का बीपी लो होना स्टार्ट हो गया है। भैया तो कमाल ही हो गया, और जो काम मैं 30 साल हुई नहीं ना कर सका वो इलेक्शन ने एक दिन में कर दिया। नाजरीन अभी अभी फैसलाबाद के बाय इलेक्शन से एक और खबर पहुंची है। खुदा के लिए बंद कर दे, आप किससे मैसेजिंग करती रहती हैं हर वक्त। अरे भाई जल्दी से टीवी लगाओ ना। है क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या हुआ? वो सायमा जी का इलेक्शन है। क्या पता चल गया कि हार रही है? हार नहीं रही, अभी देखेंगे तो सही ना। अच्छा तुम लोग लगाओ टीवी, मैं जा रही हूँ, मुझे अपनी साड़ी पिक करनी है चीना से। अच्छा ठीक है। लगाओ यार, लगा लगा लगा। हाँ जी कंफर्म है? ओके। हाला जी नर्सरी वाले पोलिंग स्टेशन पे हम जीत गए। हाय आमीन आमीन सुमा आमीन। क्या बात है पट्टी साहब, एक मिनट है जी, मैं आपको पैसे देती हूँ सदके के। ये ले पकड़े, मेरे ऊपर से नहीं, मेरे ऊपर से वार के ना तो जाके सदका दे के आए। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। या अल्लाह तेरा शुक्र। वे ऊंचा करना टीवी वे। जी नाजरीन एक और जबरदस्त टर्न देखने में आया है। सायमा चौधरी जो पहले ही दो पोलिंग स्टेशन से हार चुकी थी, उन्होंने नर्सरी पोलिंग स्टेशन से कामयाबी हासिल कर लिया। काम करेगी। क्यों है? फूफा मम्मी जी एक जगह से जीत गई और दूसरे स्टेशन पर भी उनकी लीड है। आप बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेशन से जीती है। क्या बना? अरे जल्दी आओ बैठो। मुझे अभी विकी का फोन है। अरे साहिबा जी ने स्पीड पकड़ ली है। जी नाजरीन शफीकाबाद वाले पोलिंग स्टेशन से अभी अभी ताजा इत्तला आई है। सायमा चौधरी ने मलका रानी पर 4000 वोट की बढ़तरी हासिल की। हाय हाय चलेंगे वही पोलिंग स्टेशन जहां से मलका रानी। पट्टी साहब जल्दी से आए, ढोल वाले को बुलाएं जल्दी से। हम बगैर म्यूजिक के डांस कर रहे हैं, जल्दी बुलाएं ढोल वाले। नहीं जीते तो फिर ले तो क्या हुआ, बंदा अपनी नर्वसनेस मिटाने के लिए ये तो कर ही सकता है ना। पट्टी साहब चलो फिर, चलो आ जाओ फिर। हां जी बुलवा रहा हूं मैं बुलाता हूं जी। या अल्लाह मेरी मम्मी जी को जिता दे मेरी मम्मी जी को। या अल्लाह मम्मी जी मैच फंस गया जे। क्या मैच? पाकिस्तान तो इंडिया का मैच नहीं होना। ओ बॉबी चुप कर जा यार, पहले इतनी टेंशन हो रही है। हाँ यार प्लीज, बहुत टेंशन है बॉबी अभी। हाँ बॉबी आगे बैठ जा, नहीं तो तेरा सिर खोल देंगे। और नाजरीन शफीकाबाद का रिजल्ट फाइनल हो गया है और वहाँ से मलका रानी ने कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके बाद मलका रानी 24,000 वोट लेकर पहले और सायमा चौधरी 20,000 के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बहुत लीड बाकी है। डोंट वरी, सायमा आंटी ने मैच फंसा दिया। और अभी तो काफी पोलिंग स्टेशन भी बाकी है। अरे आप क्या कर रही हैं वहाँ पे? मैसेज कुछ नहीं देख रही हूँ। हाँ देखे ना। और नाजरीन इस वक्त दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। अभी अभी एक और पोलिंग स्टेशन से हमारे पास रिपोर्ट आई है कि मलका रानी को मिले हैं 3,650 वोट और सायमा चौधरी को मिले हैं 4,500 वोट। खाला जी 2,500 की हमने लीड मार ली है। हाँ जी अच्छा। पापी जी हाली भी 500 रह गए ने। पट्टी साहब तुसी किसे दिन मेरे को अपनी पट्टी पट्टी करा के छड़नी है। और नाजरीन हमारे सेकंड लास्ट रिपोर्टर दूसरे पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं।
जी इकबाल क्या खबर है? हाँ इकबाल से तो ना ही पूछे, उन्हें तो मुझे हर वायदे ना होता है। जी नाजरीन, इस पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के मुताबिक मलका रानी ने साइमा चौधरी को 2100 वोट से पीछे छोड़ा है। देखा? और नाजरीन इसके साथ ही मलका रानी की लीड 2600 वोट तक जा पहुंची है। जी नाजरीन, 2500 वोट की वाजे बढ़तरी मलका रानी हासिल कर चुकी है। वे फड़ो वे फड़ो वे मेनू बाबू जी। हाय बाबू जी। हाय डंग प्यार दसी ने खा के चुप रहिए और क्या हुआ, अब सारे चुप हो गए हो? अंकल मुझे एक बात बताएं, सच सच कहीं आपने पैसे तो नहीं लगाए हुए आंटी के हारने पे? और मैंने तो तुम्हें पहले कहा था एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, हैं? यार सारा मजा किरकिरा कर दिया। अरे कोई बात नहीं, अभी खत्म तो नहीं हुआ ना। लेकिन नानी इस स्टेज पे तो 2600 की लीड बहुत होती है। अफी सैड बेचारी। चलो मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करूं। हेलो, देख रही हो? आई नो, यार प्लीज 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 इन्हें जिता दें। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अनाउंसमेंट। बंद करो, पहले फाड़ ताके। बस मैं नींद की गोलियां खा के सोने लगी हूँ। चुप करा दे इनको, मेरी फ्लाइट करा देना कल। जी भाभी। भट्टी साहब अब आप आ गए तो आप भी आखिरी रिपोर्ट दे ही दे। कसम से भाभी जी कुछ नहीं पता चल रहा। मगर वो लथो सारे जाओ तो हार गए। और नाजरीन अभी अभी एक और खबर मिली है कि फैसलाबाद के इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। चलते हैं अपने रिपोर्टर इकबाल खान के पास। जी इकबाल। विकी विकी आवाज तेज कर। नहीं नहीं ज्यादा ऊंची ना करना। जी नाजरीन, फाइनल रिजल्ट की कॉपी मुझे अभी अभी मौसूल हुई है। इसके मुताबिक साइमा चौधरी ने कुल मिला के हासिल किए हैं 33,556 वोट और मलका रानी ने हासिल किए हैं 33,440 वोट। इस तरह 116 वोटों से तहरीक इनकलाब की साइमा चौधरी कामयाब करा। Yes, she won. अरे वाह वाह वाह, आपकी शादी के बाद इस साल का ये दूसरा बड़ा मिरेकल है। Yes, I know. What? क्या मतलब, क्या कौन सी शादी, किसकी शादी? नहीं क्या ये क्या बात है? साइमा चौधरी। मिकाल, you also know, everybody knows. वो what? भैया वो लेकिन फवाद, ट्रस्ट मी एनी, आई स्टिल लव यू, तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है फवाद। ओह कम ऑन एनी, कोई देर वेर नहीं हुई। तुम्हारे लिए ये कहना कितना आसान है। नहीं एनी, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि शादी से इनकार करना और वो भी एट 11th आवर बड़ा मुश्किल है। लेकिन ट्रस्ट मी एनी, उससे भी मुश्किल है एक ऐसे रिश्ते को निभाना जिसमें आपका दिल राजी ना हो, आपकी खुशी ना शामिल हो उसमें। मैं कल कभी नहीं मानेगा। और इस डर से तुम अपनी सारी जिंदगी खराब कर लोगी। Come on, Annie, don't do this to yourself. This is your life. अच्छा मुझे एक बात बताओ, एंड बी ऑनेस्ट, क्या तुम खुश रह पाओगी? क्या तुम मुझे भुला पाओगी? Will you ever be able to forget me? Will you? तुम जानते हो मैं तुम्हें आसानी से नहीं भुला पाऊंगी। और हाँ, और मैं तुमसे शादी करना